गुड मॉर्निंग क्लास. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो अबाउट वाटर रिसोर्स. व्हाट आर द वाटर रिसोर्सेज? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया? हाउ वाटर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड नाउ अ डेज फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्री, फॉर डोमेस्टिक यूज़. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड ऑन important topics like importance of water resource and distribution of water resource in India. Today we'll discuss in a new video that what is the demand of water in different sectors. So India is, as we all know, that agriculture based country. So सबसे ज़्यादा अगर हमें वाटर रिसोर्स की डिमांड किसी चीज़ के लिए है तो वो हमारी सबसे पहले है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए. इन एग्रीकल्चर वाटर इज़ मेनली यूज फॉर इरिगेशन. इरिगेशन इज़ द की टू सक्सेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एज इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स. नंबर वन, अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. इंडिया में जो हमारे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन है. यहाँ पे जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि सरप्लस वाटर एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी रेनफॉल हो जाती है कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत सरप्लस है, तो उसके साथ ही साथ हमारे पास ऐसे एरियाज़ भी हैं जो जैसे नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है, ये वो एरिया हैं जिन्हें हम रेनफॉल डिफ्लिक्ट एरिया भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अनइवन टेम्परल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. द टेम्परल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ ऑल्सो अनइवन. रेनफॉल इज़ कन्फाइंड टू अ शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3-4 मंथ इन द रेनी सीजन. द रेस्ट ऑफ द ईयर इज़ मोर और लेस ड्राइंग ड्यूरिंग एग्रीकल्चर is not possible without irrigation. इंडिया में जो हमारा रेनफॉल है वो कुछ ही महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 4 महीने है, उससे बहुत कम रहता है, तो उतने दिनों तो हमें रेनफॉल के ज़रिए हमारी इरीगेशन के लिए सफिशेंट वाटर सप्लाई मिल जाती है. लेकिन जो बाकी के महीने होते हैं उनमें जो हमारी इरीगेशन के लिए वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें हमारी इरीगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है. High rainfall variability. Large part of India suffer from high rainfall variability. Incidentally, high rainfall variability is experienced in area of low rainfall, but areas of higher rainfall are also not free from rain variability, such as irrigation is essential. Even in areas with sufficient rainfall, without irrigation, agriculture in India is reduced to a gamble in the hand of the monsoon. इसीलिए इंडिया में जो मानसून को जुआ भी बोला जाता है, गैम्बल भी बोला जाता है, कि जिस साल हमारी बारिश अच्छी हो गई उस साल हमारी फसलें अच्छी हो जाती हैं, और जिस साल हमारी बारिश हल्की रहती है उस साल हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है. ड्रॉट आर कॉमन फिनोमेना इन द कंट्री. और इसीलिए जो हम ड्रॉट की प्रॉब्लम है वो भी कॉमनली देख सकते हैं. फिर है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल की बड़ी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जो इंडिया में हमारी रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के एंटर करने से होती है. Not only arrival with withdrawal of rainfall are uncertain, but also its continuity, rhythm and intensity. Only irrigation can provide security to agriculture from such moments of winds. Nature of crops. Again, जो हमारी irrigation pattern है वो हमारी nature of crops पे भी depend करती है, कि कौन सी क्रॉप को जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, ज़रूरत है, वो कितनी ज़्यादा है. द नेचर ऑफ सर्टन क्रॉप्स इज सच दैट दे रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर
फॉर देयर सक्सेसफुल ग्रोथ। जैसे हमारा राइस है, शुगर केन है, जूट है, ये हमारी कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आर सच क्रॉप्स जिनमें कि हमें जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है वो बहुत चाहिए। और ये हमारा कब पॉसिबल होगा? ये हमारा उन्हीं एरियाज़ में, ये क्रॉप्स हमारी उन्हीं एरियाज़ में ग्रो कर पाती हैं जहाँ पे हमारे इरिगेशन या रेनफॉल सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल पाती है। अगर या लो रेनफॉल एरियाज़ हों या इरिगेशन की सुविधाओं के बिना जो एरियाज़ हैं वो एरिया हों, तो उन एरियाज़ में हमारा पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह की नेचर वाली क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। हाई यील्डिंग क्रॉप्स, द मेन एलिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ द हाई यील्डिंग क्रॉप्स विच रिक्वायर रेगुलर मॉइस्चर टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। देयर फॉर इरीगेशन इज़ नेसेसरी इवन इन द रेनफॉल इज़ सफिशेंट। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें पूरे साल पानी की ज़रूरत होती है। मान लीजिए रेनफॉल हमारी 3 या 4 महीने रहेगी, तो बाकी समय में हमारे जो मॉइस्चर बनाए रखना है हमें मिट्टी में, वो हमारे मींस ऑफ इरिगेशन से ही पॉसिबल है। लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड, इंडिया हैज़ लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड विच एक्सटेंड थ्रू आउट द ईयर। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन कैन मेक मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। अगर हमारे पास इरिगेशन के सफिशिएंट टास्क मौजूद हैं, सफिशेंट हमारे पास चीज़ें हैं, तो हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इरिगेशन का प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है। इंक्रीजेज इन प्रोडक्टिविटी, जैसे कि सीधा सीधा फंडा है कि अगर इरिगेशन की सुविधाएं हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है। और अगर हमारी इरिगेशन प्रॉपर नहीं है तो धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डेफिनेटली हायर ऑन इरिगेटेड लैंड देन ऑन अनइरिगेटेड लैंड। देयरफॉर एक्सटेंडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैन इंक्रीज प्रोडक्शन विद प्रोडक्टिव ऑफ क्रॉप्स, इट ऑल्सो रिड्यूस इंटेंसिबिलिटी इन यील्ड्स। सो ये हमारा हो गया डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। नाउ इंडिया में जो हमारी इरिगेशन है, वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन, कुओं और ट्यूबवेल से जो इरिगेशन की जाती है, अब हम उन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन इज़ डन बाय यूजिंग ग्राउंड। अंडरग्राउंड वाटर का जो यूज़ होता है वो वेल और ट्यूबवेल इरिगेशन में होता है। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स अमाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द नेट इरिगेटेड एरिया। ऑफ द टोटल नेट इरिगेटेड एरिया 76.1% इन द पंजाब एंड 51.3% इन हरियाणा आर इरिगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। बेसिकली जो हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये राज्य हैं, वो हमारे इरिगेशन और एग्रीकल्चर के ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इरिगेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा पंजाब में 76.1% जो इरिगेशन है वो वेल और ट्यूबवेल से की जाती है। 51.3 हमारी पंजाब हरियाणा में एंड